हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो रिक्वेस्ट वीडियो है। हमारे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। वो इस वजह से परेशान चल रहे हैं कि उनका जो भी वाईफाई नेटवर्क है, जो भी इंटरनेट कनेक्शन है, उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और जो मन में आए वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे इनका डेटा जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और इनको बार बार वो रिचार्ज करना पड़ता है और ये काफ़ी महंगा बैठ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपने राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जिस डिवाइस को आप चाहें कि ये आपका वाईफाई यूज़ करे, आप सिर्फ उसी को अलाउ करिए, बाकी डिवाइस उससे कनेक्ट नहीं हो पाएंगी और कोई आपका वाईफाई जो है वो हैक भी नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा आपका जो डेटा है वो बच जाएगा और आप आसानी से जिस डिवाइस को अलाउ करेंगे सिर्फ वही यूज़ कर पाएगा। और ये पॉसिबल होता है मैक फिल्टरिंग से। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैक फिल्टरिंग आप कैसे अपने राउटर में लगा सकते हैं, कैसे अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे आप चाहें जिस डिवाइस को आप अलाउ करना चाहते हैं सिर्फ वही डिवाइस क्या होंगे आपके राउटर से कनेक्ट होंगे, और जिस डिवाइस को आप चाह रहे हैं कि वो कनेक्ट ना हो तो वो डिवाइस क्या होंगे कनेक्ट नहीं होंगे आपके राउटर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इस डिवाइस को नहीं चाह रहे कनेक्ट होना और ये वाला भी नहीं चाह रहे कनेक्ट होना, तो आप क्या कर सकते हैं अपने राउटर को मैक फिल्टरिंग लगा सकते हैं उसमें, जिससे आपका जो वाईफाई डिवाइस है, मतलब आपका वाईफाई नेटवर्क है, वो प्रोटेक्ट होगा और कोई भी उससे बिना आपकी इजाज़त के कनेक्ट नहीं होगा और आपका डेटा जो है वो बच जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने राउटर में मैक फिल्टरिंग कैसे कॉन्फ़िगर करें तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहां पर ये इमेज है, इसमें जैसी माउस लाते हैं तो यहां पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आता है, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए यहां पर क्लिक करके इसको तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का। मान लीजिए अगर कोई मोबाइल है तो इसका एक मैक एड्रेस होगा, कोई लैपटॉप है उसका एक मैक एड्रेस होगा, कोई टैबलेट है उसका एक मैक एड्रेस होगा। हर किसी डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है, जिससे हम क्या करेंगे उस डिवाइस का मैक एड्रेस निकालेंगे और हम अपने राउटर से बोलेंगे कि भैया जो ये मैक एड्रेस है आपने क्या करना है सिर्फ इसी डिवाइस को अलाउ करना है अपने वाईफाई को एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैक एड्रेस आप कैसे फाइंड करते हैं। मैं आपको विंडोज 7 में भी बता देता हूँ, विंडो 8 में भी बता देता हूँ और एंड्रॉइड फोन में भी बता देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको एंड्रॉइड फोन में बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एंड्रॉइड फोन में आते हैं तो सबसे पहले आपने करना है क्या, यहाँ पर से सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर से आप सेटिंग्स में क्लिक कर लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर से सेटिंग्स में क्लिक करते हैं उसके बाद सबसे पहले आपने करना क्या है, इसको स्क्रॉल कर लीजिए। सबसे बॉटम में आपके पास एक ऑप्शन होता है अबाउट फोन, आपने क्या करना है अबाउट फोन में जाना है और यहाँ पर से इसमें क्लिक करना है। ठीक है, अबाउट फोन में जैसे आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है स्टेटस का, आपने क्या करना है स्टेटस में क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप स्टेटस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन होता है वाईफाई मैक एड्रेस। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वाईफाई मैक एड्रेस और ये इसका मैक एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए F8CF, तो आपने क्या करना है इसको कॉपी कर लीजिए और एक नोटपैड की फाइल में यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, और उसका नाम भी लिख लीजिए कि वो डिवाइस कौन सी है। ये तो हो गया एंड्रॉइड फोन में। अब हम चलते हैं विंडोज 7 में। ये देखिए विंडोज 7 में आ गया मैं। विंडोज 7 में आपने क्या करना है, कंट्रोल पैनल खोलना है। स्टार्ट में क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर से आपने कंट्रोल पैनल में जाना है और कंट्रोल पैनल में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर से देखिए आपने क्या करना है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में यहाँ पर से आपने जाना है। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में हम यहाँ पर से गए और जैसे यहाँ पर चले गए उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है चेंज अडाप्टर सेटिंग में आपने क्लिक करना है। तो चेंज अडाप्टर सेटिंग में आप यहाँ पर से क्लिक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास मिलता है वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, आपने क्या करना है इसमें क्लिक करना है। डबल क्लिक कर लीजिए इसमें, जैसे ही आप इसमें डबल क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक डिटेल्स का ऑप्शन होता है, आप इसमें क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए 78DD, आपने क्या करना है इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, जिस डिवाइस को आप अलाउ करना चाह रहे हैं आप उन सबका मैक एड्रेस जो है वो कॉपी कर लीजिए। विंडो 7 में हो गया, अब मैं आपको विंडो 8 में भी दिखा देता हूँ। विंडो 8 के लिए आपने क्या करना है, फिर से आपने कंट्रोल पैनल में आना है, यहाँ पर से राइट क्लिक करा और यहाँ पर से हम कंट्रोल पैनल में आए, उसके बाद यहाँ पर से आपने फिर से नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में जाना है और उसके बाद फिर से आपने क्या करना है चेंज अडेप्टर सेटिंग में और यहाँ पर से वायरलेस ये वाईफाई में आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर से आपने डिटेल्स में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको यहाँ पर फिजिकल एड्रेस जो है वो यहाँ पर आपको मिल चुका है, आपने इसको भी कॉपी कर लेना है। तो जैसे आप जिस डिवाइस को आप चाह रहे हैं कि अलाउ करना तो आपने उस सबका मैक एड्रेस जो है कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है अपने राउटर में लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना जो भी पीसी है, लैपटॉप है या फिर आप मोबाइल है, मोबाइल से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो मोबाइल अगर आपका राउटर से कनेक्ट है तो आपने क्या करना है मोबाइल में, मोबाइल के ब्राउजर में आना है।
ठीक है, मोबाइल के ब्राउजर में आइए, जैसे यहाँ पर कोई ब्राउजर मिल जाता है हमें यहाँ पर गूगल क्रोम, और आपने क्या करना है यहाँ पर एड्रेस खोलना है कौन सा, अपने राउटर के लॉगिन का। राउटर का लॉगिन का जो एड्रेस होता है वो आपके राउटर के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा। ये एड्रेस जो होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने क्या करना है यहाँ पर लिखना है, इसको टाइप करना है 192.168.1.1, ठीक है, आप यहाँ पर से टाइप कर लीजिए। मैं क्या करता हूँ इसको पीसी में खोल के आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आपको बड़ा दिख जाएगा, यहाँ पर मोबाइल में नहीं इसको खोलता हूँ मैं, ठीक है। मोबाइल में आप कर सकते हैं, मोबाइल में चाहें मोबाइल में कर लीजिए, आप अपने पीसी में चाहें तो आप पीसी में कर सकते हैं। तो आपने एड्रेस कौन सा खोलना है, 192.168.1.1, आप इसमें एंटर प्रेस कीजिए, और जैसे यहाँ पर आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर से आपको लॉगिन मांगता है, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपने अपना जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको नेटगियर के राउटर में बता रहा हूँ, अगर आपके पास टीपी लिंक या डी लिंक का है तो आपके पास क्या होगा, इसका यूजर नेम एडमिन होता है, अगर आपने चेंज नहीं किया तो यूजर नेम एडमिन होता है और पासवर्ड भी एडमिन होता है, लेकिन नेटगियर का डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपका 192.168.1.1 नहीं खुल रहा है तो आप यहाँ पर से ये 192.168.0.1 खोल लेंगे तो आपका ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो आप यहाँ पर से इसमें लॉगिन कर लीजिए, मैं यहाँ पर से इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने लॉगिन करा तो यहाँ पर देखिए हम नेटगियर में लॉगिन हो चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन होता है, जितने भी अगर आप देखना चाह रहे हैं डिवाइस कौन कौन सी अटैच्ड हैं आपके आपके राउटर से, तो आपने क्या करना है यहाँ पर अटैच डिवाइस में क्लिक करना है। तो यहाँ पर से आप क्या कर लेंगे, अटैच डिवाइस में जैसे यहाँ पर से आप क्लिक करते हैं तो जितनी भी डिवाइस आपके राउटर से कनेक्टेड हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो मैं यहाँ पर से अटैच डिवाइस में क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए अभी 6 डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है, एक जो डिवाइस है वो यहाँ पर वायर से कनेक्टेड है, और बाकी की जो 5 है, 5 जो डिवाइस यहाँ पर दिखा रहा है ये यहाँ पर से ये वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर इनका मैक एड्रेस दिखा रहा है, और यहाँ पर इनका आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर इनका डिवाइस का नेम दिखा रहा है। तो आपने क्या करना है, जिस डिवाइस को अलाउ करना है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक्सेस कंट्रोल को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। उसके लिए आपने करना क्या होगा, यहाँ पर से एडवांस में क्लिक करना होगा अगर आपका नेटगियर का है, और अगर आपका टीपी लिंक या डी लिंक का है तो होता सेम चीज है, लेकिन आपके उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि इंटरफेस जो है वो चेंज हो। तो आप देख लीजिए, आपने करना यही है, एक्सेस कंट्रोल ढूंढना है वहाँ कहीं पर, तो आप यहाँ पर से एडवांस में चले जाइए अगर आपका नेटगियर का है। एडवांस में जैसे हम जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एडवांस सेटअप में जाना है। यहाँ पर से आप एडवांस सेटअप में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवांस वायरलेस सेटिंग। तो आपने क्या करना है, एडवांस वायरलेस सेटिंग में क्लिक करना है। तो जैसे एडवांस वायरलेस सेटिंग में क्लिक करते हैं और उसके नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास मिल जाता है सेटअप एक्सेस लिस्ट, और अगर आपका राउटर टीपी लिंक या डी लिंक का है तो उसमें आपको मिलेगा सेटअप एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। आपने क्या करना है, सेटअप करना है, और जैसे ही ये सेटअप एक्सेस लिस्ट में आपने क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ जाता है। तो अभी यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो इसका एक्सेस कंट्रोल होता है वो टर्न ऑफ होता है, अगर आपने इसको ऑन करना है, इसमें यहाँ पर से ऑन करेंगे और यहाँ पर से इसको अप्लाई करेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पर से एक डिवाइस जो है वो सेलेक्ट कर रखी है, सिर्फ इसी में इंटरनेट चलेगा। और अगर आपने डिवाइस यहाँ पर से ऐड करनी है तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ऐड में क्लिक करा, और जैसे यहाँ पर से ऐड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिए जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन आप क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई नई डिवाइस जो है वो ऐड करनी है तो उसका आपने क्या करना है, यहाँ पर से नेम डालना है, जो भी नेम आप डालना चाहें यहाँ पर आप डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे, और यहाँ पर से मैक एड्रेस जो मैंने आपसे कॉपी करवाया था वो मैक एड्रेस आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। मैक एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए, डिवाइस का नेम आप यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ हम क्या करते हैं, ये हाउ टू हिंदी वाला जो है, ठीक है, जो ये विंडो 8 वाला कंप्यूटर है इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पर से इसमें ऐड में क्लिक करा, डिवाइस का नेम यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर से इसका नेम क्या था, हाउ टू हिंदी, ठीक है। डिवाइस का नेम भी आ गया और यहाँ पर से इसका मैक एड्रेस भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करा तो यहाँ पर देखिए दो डिवाइस जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, और उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आपने और डिवाइस ऐड करनी है तो यहाँ पर से ऐड कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर से विंडो 7 जो है यहाँ पर देखिए विंडो 7 वाला कंप्यूटर ये है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड नहीं करता हूँ। अगर इसको ऐड नहीं करूँगा तो ये जो हमारा ये रिमोट डेस्कटॉप मैंने ले रखा है ये वाईफाई के थ्रू ले रखा है तो हमारा रिमोट डेस्कटॉप जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा जैसे मैं यहाँ पर से इसको ऐड नहीं करूँगा। तो यहाँ पर से हम ये वाई वाले का ऐड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसको जो आईफोन है इसको भी ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने क्लिक करा और ऐड करा तो हमारी तीन डिवाइस जो है यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, बाकी सारी ऐड नहीं रहेंगी। अब हम क्या करते हैं, एक्सेस कंट्रोल को ऑन करते हैं, और जैसे ही मैंने इसको ऑन करा और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो सिर्फ इन तीन डिवाइस में ही इंटरनेट चलेगा, बाकी डिवाइस में इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से अप्लाई करता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि विंडो 7 वाला जो कंप्यूटर है उसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो कनेक्टेड है ये
वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है नेटवर्क से, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर से ये प्रोसेस पूरा हो रहा है, अपडेट सेटिंग कर रहा है ये, जैसे सेटिंग्स को अपडेट कर देता है तो वहाँ पर से वो लॉग आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप सिर्फ इन तीन डिवाइस में ही इंटरनेट चल रहा है, और यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर से देखिए कनेक्शन जो है वो लॉस हो गया क्योंकि ये अब नेटवर्क में नहीं रहा, हमारे राउटर से ये कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने राउटर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जिस जिस डिवाइस को आप चाहें उसको सिर्फ अलाउ कर सकते हैं, और बाकी डिवाइस क्या होंगी अलाउ नहीं होंगी, और आपका इंटरनेट जो है वो बच जाएगा, कोई भी उसको हैक नहीं कर पाएगा और कोई भी उसको आपके इजाज़त के बिना एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर नीचे लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।